नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए। शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, PCS 2021 का जो कट ऑफ अंक है वह जारी कर दिया गया है। सभी पदों पर श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के अंक लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि 22 तारीख तक उपलब्ध रहेंगे। कल भी आपको यह सूचना दी गई थी। प्रमुख पदों के श्रेणीवार कटऑफ कुछ इस प्रकार से है, अनारक्षित 976, 998, OBC 996, अनुसूचित जाति 905, 881, ये उप जिलाधिकारी के लिए है 52 पद। पुलिस उप निरीक्षक के जनरल के 894, 888 गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के 793 और 793 मेल फीमेल दोनों गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो कैसी है कट ऑफ की। वहीं बिहार PCS का भी रिजल्ट जारी हुआ है प्री का, और जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है, 113 गया है। अनरिजर्व्ड के लिए 109 है फीमेल कैंडिडेट, EWS के 9 फीमेल, EWS 105, SC 104, SC 93, ST के लिए 100। तो इस तरह का कट ऑफ गया है जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। लगातार बिहार PCS का जो रिजल्ट है उसमें कट ऑफ बढ़ती जा रही है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की भर्ती के लिए गुरुवार को परीक्षा हुई है। 38% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी जबकि 62% ने छोड़ दी। परीक्षा में यूपी और बिहार के 85,000 प्लस अभ्यर्थी उपस्थित रहे। कटाप को लेकर के आपको सूचना दी ही जा चुकी है। वहीं देखिए अगली जो सूचना है, पावर ग्रिड में आवेदन, 800 पदों पर भर्ती, फील्ड इंजीनियर एवं फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती, न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 29 वर्ष, आयु गणना 11 दिसंबर 2022 के अनुसार की जाएगी। इसमें दिया है कि BE, BTEC, MTEC, MATEC, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएँ रखने वाला व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। चयनित के लिए पदानुसार स्क्रीनिंग टेस्ट, शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया, व्यक्तिगत साक्षात्कार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रयोग आयोजन किया जाएगा। इन सब के आधार पर परीक्षा अंतिम चयन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2022 है और से लेकर के 11 दिसंबर 2022 तक है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होगा। आवेदन शुल्क ₹400 है। www.powergrid.in इस वेबसाइट का नाम है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों और उचित योग्यता रखते हों इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए शिक्षक साथी जो परीक्षा है या शिक्षक साथी जो शिक्षकों का चुनाव है वो शुरू हो गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से अलग अलग जिलों से इस तरह की लिस्ट निकल रही है। शिक्षक साथी के रूप में जो रिटायर अधिकारी या रिटायर शिक्षक हैं वही जो है इसमें अब आ सकते हैं, आमंत्रण है उनका। और इनमें 2500 पे दिया जा रहा है पर मंथ, और 60 से 70 साल उम्र रखने वाले अभ्यर्थी यानी कि शिक्षक जो कि रिटायर हैं वह इसमें शामिल होंगे। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो रही है। स्टेनोग्राफर की सूचना जैसा कि मैं आपको दे ही चुका हूं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, इसमें जो PhD के लिए आवेदन मांगे गए थे उसकी परीक्षा जो है निश्चित कर दी गई है। 3 एवं 4 दिसंबर को यह परीक्षा होने जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जम के रखें। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 3 या 4 को कराया जा सकता है। 3-4 दे दिया है डेट, 3-4 दोनों में है। कुछ सब्जेक्ट का 3 को, कुछ सब्जेक्ट का 4 को होगा। वहीं अगली नोटिस है, पुरुष एवं महिला के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आशुलिपिक परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र तिथि एवं अन्य चीज़ें जारी कर दी गई हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वो जो है अपना चेक कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कब से अनिवार्य हुई TET, हाईकोर्ट ने वित्त
पोषित स्कूलों में हुई नियुक्ति के मामले में यूपी सरकार से मांगी जानकारी कि कब से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो रही है टीईटी। तो इसमें कई मामलों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट आपके आयोग से। वहीं आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है। साथ ही साथ जो व्यवस्थित कार्यक्रम है आगे का वह भी जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं ग्रुप डी वाली परीक्षा में वो अपनी अगले स्टेप की तैयारी के लिए तैयार रहें। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 5 चरणों में परिणाम आना था जो कि धीरे धीरे अब सामने आने वाला है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना से लेकर आपसे उम्मीद का बहुत